देखो बच्चों, कंपार्टमेंट एग्जाम में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, इंपॉर्टेंट नोट्स का होना जरूरी है। इससे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके ले सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बिजनेस स्टडीज क्लास 12th कंपार्टमेंट एग्जाम। सो माई नेम इज हरीश थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं बिजनेस स्टडीज के, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। इसमें आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज केस स्टडीज में आपको साथ में दूंगा, फुल नोट्स हैं ये बिजनेस स्टडीज के, साथ में मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज केस स्टडीज, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स की केस स्टडीज दूंगा, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो भाई, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8800797331 पे, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में आपको ये सब चीज दूंगा, जिसके अंदर आपके नोट्स और चैप्टर वाइज केस स्टडीज रहने वाली है, जिससे आप लोगों का कंपार्टमेंट एग्जाम का स्कोर डेफिनेट है कि इंप्रूव होगा ही होगा। अगर आप लोग नोट्स पढ़ लोगे, केस स्टडीज सॉल्व कर लोगे, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, 8800797331 ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। कई बार ये क्वेश्चंस कंपार्टमेंट एग्जाम में रिपीट हुए हैं, कुछ चीज़ों को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर, मैनेजमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट रहती है, किसके लिए असेंशियल रहती है। तो भाई, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट करना जरूरी है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, चीजों को सही से करना बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है भाई। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तारंग एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज द सेल्स बाय 30%, 30% सेल्स को बढ़ाना है नेक्स्ट क्वार्टर में, कौन से फीचर की यहाँ पे बात हो रही है। तो भाई, यहाँ पे जो फीचर की बात हो रही है वो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है बच्चों। फोर्थ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो बच्चों, इसका आंसर है मार्केटिंग मैनेजर। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है बच्चों, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर होता है, ठीक है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर है। आप तीनों के तीनों लेवल ऑफ मैनेजर्स को पढ़ लेना, समझे मेरी बात को। फिफ्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। तो भाई, कोऑर्डिनेशन जो है कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो बता रहा है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया गया, कंपार्टमेंट एग्जाम में भी आया, बोर्ड एग्जाम में भी आया, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, क्या है वो फ्लेक्सिबल है। सेवन्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज, एम्प्लॉइज के टर्नओवर को मिनिमाइज करना है, कोई भी एम्प्लॉइज छोड़ के ना जाए। तो भाई, इसका आंसर है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब होता है कि एम्प्लॉइज फर्म को छोड़ के ना जाए। एट्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। रेस्ट इंटरवल्स, जब भी बच्चों रेस्ट इंटरवल की बात होगी, रखना फटीक स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे, फटीक स्टडी की। फटीक स्टडी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने नन ऑफ द अबव कर दिया यहाँ पे, समझे मेरी बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है, फॉर्मुलेट स्टेप सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो भाई, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। 10th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। तो भाई, कस्टमर भी होते हैं, सप्लायर भी होते हैं, कंपटीटर्स भी होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बच्चों नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पार्ट नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट का। 11th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, मतलब वो जनरल फोर्स है। तो भाई, जनरल फोर्स होता है टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, ये जनरल फोर्स होता है। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग प्रीमाइजेस अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई, प्लानिंग में ऐसा होता है कि हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, तो प्लानिंग हो गया इसका आंसर। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी क्या होता है बच्चों, प्लानिंग ही होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, समझे मेरी बात को। 14th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर, एक सुपीरियर कितने एम्प्लॉइज को, कितने वर्कर्स को मैनेज कर सकता है, उसको बोलते हैं बच्चों स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं बच्चों स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। 15th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यूरेनस लिमिटेड इज द कंपनी डीलिंग इन मेटल प्रोडक्ट्स, द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, पर्सनल, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई, फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया बच्चों, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया, फंक्शंस के अकॉर्डिंग। सर, अगर ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते तो क्या बोलते, तो भाई डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं तब, ठीक है। 16th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स
ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, तो भाई ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर में ही मिलती है। 17th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया डिविजनल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, तो भाई इट एनश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। तो भाई डिविजनल स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि फंक्शंस पर अटेंशन दी जाती है। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर बी। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। तो भाई एक बेसिकली क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है सबॉर्डिनेट का, किसका बच्चों सबॉर्डिनेट का, ये एक वो होता है कि वो अपने टास्क को पूरा करेगा। तो भाई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। 20th इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो नीचे से ऊपर जाती है, यानी अपवर्ड जाती है वो, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो नीचे से ऊपर से नीचे आती है, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे अपवर्ड हो गया, सॉरी माय बैड, अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नीचे से ऊपर जाती है, समझे मेरी बात को। When decision making authorities retained organization is said to be higher management levels and basically क्या होता है कि सारी की सारी authority managers ने अपने पास रखी हुई है, management ने अपने पास रखी हुई है, तो बच्चों उसको बोलते हैं centralization। क्या बोलते हैं बच्चों, centralization। 22nd important MCQ है, which of the following is an internal source of recruitment। तो भाई internal source of recruitment कौन सा, इनमें से आपको बताना है, transfer होता है भाई internal source of recruitment, बाकी सब तो external sources हैं recruitment के। 23rd important MCQ है बच्चों, which of the following is not an advantage of using external source of recruitment। तो भाई economical source नहीं होता, external तो बहुत महंगा पड़ता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा expensive होता है, तो ये economical कैसे हो गया, तो economical नहीं है, तो इसका आंसर economical source हो गया। 24th important MCQ है, it is a process of management which is concerned with obtaining, utilizing, maintaining satisfactory and satisfied workforce। workforce कैसी हो भाई, utilize करें हम workforce को, maintain करें उन्हें, satisfy करें, तो भाई ये सब चीज़ें staffing में होती है। 25th important MCQ, it is a process of introducing the selected employee to other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization। तो भाई orientation में ऐसा होता है कि हम employees को मिलवाते हैं सबसे, समझे मेरी बात को। तो ये 25 मैंने आपको important MCQs बताए हैं जो कि आपके compartment exam के लिए most important है। अगर आप लोग और भी MCQs चाहते हो मेरे से कि सर और भी MCQs provide करो, तो comment जरूर कर देना, मैं definitely आप लोगों को और भी MCQs provide करा दूंगा। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।